यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को दादों ने, चाचों ने, फुप्पो ने जो जो जिस जिसने गिफ्ट दिया वो मैं आपको बताती हूँ। फाजमा आप एक दफा खड़ी होकर अपने कपड़े उतार दो। ये भी इसकी फुप्पो ने भेजे हैं, थोड़े से इसको लंबे अच्छे लग रहे हैं ना इसके साथ। और ये जहाँ मेरे साथ बैठ जाओ, ये मेरे साथ कपड़े उतारेगी। ये बड़ी एक्साइटेड है कपड़े अपने बताने के लिए। तो सबसे पहले तो जैनब की बताते हैं। ये जैनब की तो आपने देखी है ना, ये ट्राउजर था जैन थोड़ा पास कर चिपका रहे हैं। ये ट्राउजर और ये जैनब की शर्ट है, मैं खड़ी होगी। फातिमा आप अभी उधर ही रखो, सारे देख लेंगे। ये शर्ट है फातिमा को देखिए, फातिमा आपने बता रही है। ये शर्ट है जैनब की और ये इसके साथ का दुपट्टा है। और ये चली के भी देखें, ये फातिमा के है और इसके साथ का पजामा भी मैं आपको बताती हूँ। देखें और ये दो सूट हो गए इनके। इसके अलावा ये फातिमा पहन पहनती चेक करती रही है साथ साथ ना। ये इसकी पुप्पो ने भेजे हैं किसके लिए, ये देखिए नजर आ रहे हैं। ये इस तरफ का, इस तरफ हाँ ये। और इसके साथ ये प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा शार्ट फ्रॉक के ऊपर ये पहन पहन के ना पापा को बताती रही है। इसकी सिर्फ 20 ने ओपन की है। ये देखिए इसके साथ ये नजर आ रहा है जैनब, ये इस तरह ये। और हाँ बस ये देखिए, इसके अलावा ये जैनब की सैंडल दी है इसको पप्पो ने। ये उधर पहनती रही है, यूज़ करती रही है जब उधर थी, तो इसने मट्टी वगैरह भी डाली है जैनब ने ऊपर। उसके अलावा ये इसकी चाचू ने इसको लेके दी हैं, ये इसकी फुप्पो ने लेके दी, ये छोटे चाचू ने दी हैं चप्पल इसको लेके। वो खुद खरीद के लाए थे इसलिए जैसी उनकी चॉइस है वैसे ही खरीदे ने, लेकिन मुझे अच्छे लगे हैं ये, अच्छे पायदार शूज़ हैं ये देखें ये। और साथ ये सैंडल इसको फुप्पो ने दी है, ये कपड़े और ये कपड़े फातिमा के लिए फुप्पो ने भेजे हैं। और इसके अलावा ये जैनब को जो है जैनब के बड़े चाचू ने लेके दिए हैं ये वाले जो कपड़े हैं, ये भी जैनब उधर पहनती रही है। ईद वाले दिन यही जैनब ने पहने थे ये इसके चाचू बड़े चाचू ने इसको लेके दिए हैं जो इसके बाबा से छोटे हैं। और ये वाले जो कपड़े हैं ये इसको फुप्पो ने लेके दिए हैं। इनके साथ ये शर्ट ली है ना जी, ये मतलब किस तरह शर्ट्स ली हैं। और ये इसके साथ ट्राउज़र बना हुआ ली है शर्ट के साथ। आप लोगों ने बताना है कैसे प्रिंट है ये पाँव पे, इसकी इस तरह पाँव पे कह रही हूँ, पाँचों में ऐसा वर्क है और इधर से थोड़ी टाइट है, ऊपर से सही है, खुला है, अच्छा है। और इसके साथ ये शर्ट है, शर्ट का जो है ना प्रिंट बता देना ज़रा करीब। हाँ ये अच्छा कलर है गर्मियों के लिए। इसके साथ फिर ये वाला जो सूट है ये इसको दादों ने दिया है, ये ना ये शर्ट का पीस है। और ये इसके लिए है ये ट्राउज़र है साथ, ये देखें अब खोलने की मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं, ये अनस्टिच है ना ये। इसके साथ चाहे तो प्लाजो बना लें चाहे तो ट्राउज़र बना लें, अब देखूंगी जब मैं बनाऊंगी फिर। आप लोगों ने बताना है प्लाजो बनाऊँ या ट्राउज़र बनाऊँ। प्लाजो मुझे प्लाजो अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियों में प्लाजो अच्छा लगता है बच्चों के साथ, ट्राउज़र थोड़ा टाइट में आ जाता है तो प्लाजो में बच्चे खुश होते हैं। और अभी इसका जो वो है ना बारिश होते हैं वेट जो होती है वो काफ़ी खुली है प्लाजो के लिए, इस तरह अच्छी होगी। तो ये इसके हो गए जैनब के, ये दादों ने दिए हैं, ये फुप्पो ने दिए हैं, ये चाचू ने दिए हैं, वो दो फुप्पो ने, ये छोटे चाचू ने, ये भी फुप्पो ने। और ये भी एक फ्रॉक इसको फुप्पो ने रखा हुआ था इसके लिए पहले का, तभी इसके पता नहीं स्टिच करवाया है नहीं, बनना हुआ नहीं है। ये देखिए ये नज़र आ रहा है ये। इसके साथ एक बस मसला है, इसकी स्लीव लेस है और जैनब स्लीव जो है हाफ है और जैनब हाफ स्लीव पहनती नहीं। इसके साथ फिर देखूंगी अगर दुपट्टा लिया या क्या कहते हैं वो लिया ट्राउज़र पजामा लिया तो ये है। वैसे तो मैक्सी है ना पूरी, ये देखें नीचे तक अच्छी लग रही है, वैसे ऐसे नीचे से देखें ना तो अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा है। तो आप लोगों ने बताना है कि ये सारा कुछ कैसा था, इनकी दादों का प्यार, इनकी पप्पो का प्यार, चाचू का प्यार, सबका। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ बात तोहफों की नहीं होती, बात प्यार की होती है जो वो देते हैं तोहफों की सूरत में। ऐसे ऐसे ही बच्चों माशाल्लाह बड़े खुश थे उधर। और इसके अलावा जो है इसकी पप्पो ने भी ईद दी है, दादों ने, चाचुओं ने, वो सारी भी जमा करके ये साथ लेके आए हुए थे। कुछ उधर खाई है उधर के लिए बोला था देते रहे, इधर के लिए ला दे दिए हैं, तो कुछ ये लोग जमा पूंजी करके साथ लेके आए। अच्छा बैग नहीं बताया, एक बैग रहे ना तो बस।
ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को बताई। और ज्याला को देखिए, ज्याला कैसे ऐनक पहन के बैठे हुए, एक शीशा उसको तोड़ दिया है भाई आपके अंदर है, और जैनब को पसीना आ रहा है बाहर खड़े। इतनी ज़्यादा शदीद वाली गर्मी है ना कि पसीना आ रहा है जैनब को वीडियो बनाते बनाते। तो चीज़ें कैसी लगी हैं बताना है। आज के व्लॉग मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, काफ़ी सारा हो गया होगा, इतना आप लोग के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आप लोग का सबसे कीमती चीज़ आप लोग का टाइम है जो कि आप निकाल के हमें देते हैं। ये आपका प्यार होता है जो आप हमें देते हैं, इनाम होता है एक तरह का जो हम वीडियो बनाते हैं। ये देखिए फातिमा मेहंदी बता रही है। तो वीडियो अच्छी लगी, कपड़े अच्छे लगे, कुछ चीज़ अच्छी लगी वो भी बताना है, साथ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। फातिमा क्या कहती है? अच्छा बस लाइक ही करें, शेयर। और जोया कहती है सब्सक्राइब भी करें जी, और कमेंट भी करें। और इसके साथ ही बहन को ढेर सारी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से प्यारे से क्यूट से ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।